हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जर्मन बॉय जैम्बो। मेरा नाम है अंकित और ये भाई साहब है हमारे जैम्बो, जर्मन शेफर्ड। 3 मंथ्स ओल्ड है अभी, डबल कोट। थोड़ा वीक होगा अगर कंपेयर करेंगे 3 मंथ्स ओल्ड बेबी से, लेकिन रीजन जो है उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, और वो है टिक फीवर। जर्मन शेफर्ड्स ओनर्स हैं जो, और जो सोच रहे हैं जर्मन शेफर्ड लेने की, वो इस वीडियो को जरूर देखें एंड तक, क्योंकि इसमें मैं डिटेल्स में सारी बातें करने वाला हूं और जितनी सिंपल लैंग्वेज हो सके उसमें बात करूंगा। इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी भी हो सकती है, लेकिन नॉलेज आपको पूरी आ जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके बारे में। तो टिक फीवर होता क्या है? टिक फीवर में टिक्स होते हैं, आप जो डॉग ऑनर्स हैं उनको पता होगा, डॉग्स में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, टिक्स लग जाते हैं इनको। और वो टिक्स, हर टिक डेंजरस नहीं होता, लेकिन अगर एक टिक अनहेल्दी डॉग को बाइट करके एक हेल्दी डॉग को बाइट कर लेता है तो वो उसको टिक फीवर कर सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और इसमें फीवर 106 डिग्री तक जा सकता है, और 106 डिग्री डॉग्स के लिए बहुत ज्यादा है। इवन जो पार्वो वायरस होता है, गुड बॉय, पार्वो वायरस जो होता है उसमें भी 104-105 तक जाता है नॉर्मल टेम्परेचर। तो इसके बारे में, इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं ले सकते आप। और अब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जब ये 45 डेज का था, या शायद 45 टू 50 डेज का था, इसको एक बार फीवर आया था 106 डिग्री। तो डॉक्टर्स ने तो 3-4 दिन इसको वैक्सीनेशंस लगवाई, और उसके बाद भी मेरे को डॉक्टर ने कहा कि इसको महीना और दवाई चलेगी। लेकिन मैंने जो गलती करी वहां पर, ये करी कि मुझे लगा शायद ये ठग रहे हैं, ये सबके माइंड में आता है कि हमें ठग रहे हैं, तो बेबी है ये मेडिसिन खाएगा कि खाना खाएगा, और इसलिए मैंने 2 वैक्सीनेशंस के बाद इसका बंद कर दिया, क्योंकि ये वैसे भी ठीक था, ओवरऑल अच्छा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बुखार भी नहीं लग रहा था। लेकिन जब ये 2.5 महीने का हुआ तो वो सेम चीज दोबारा आ गई, और इस बार वो डबल, मतलब डरा देने वाली थी मेरे लिए। इसकी जो हालत थी देख नहीं सकता था कोई, मेरी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। और इसको जब हम इस बार लेके गए चेक करवाने, तो वहां पर उन्होंने हमें रिकमेंड करा कि आप इसका ब्लड टेस्ट करवाइए, और ब्लड टेस्ट में निकला 6000 प्लेटलेट्स। 6000 इज नथिंग, 2 लाख डॉग्स में भी जरूरी है, हेल्दी डॉग जिसे कहेंगे, 2 लाख प्लेटलेट्स उसके लिए बहुत जरूरी है। 6000 में तो डॉक्टर हैरान था, उसने हमें इतना कह दिया था कि मैं ये शॉक्ड हूँ कि ये जिंदा कैसे है। और ये चीज मेरे ख्याल से कोई डॉग ऑनर नहीं सुनना चाहेगा कभी भी। और इसके बाद चलो, मैं तो बहुत स्ट्रांग बच्चा है हमारा, इसने आज इसका हमने पीछे टेस्ट करवाया ब्लड, तो उसमें इसके 1 लाख प्लेटलेट्स आए हैं, सॉरी। और अब बहुत जल्दी से रिकवर कर रहा है। तो टिक फीवर को बिल्कुल भी लाइटली लेने वाली चीज नहीं है, मेरी वाली गलती आप बिल्कुल ना करना, क्योंकि ये मैंने पहले भी डॉग्स रखे हैं, जर्मन शेफर्ड ही था मेरे पास, लेकिन मैंने अभी तक इस टिक फीवर को कभी फेस नहीं करा था। तो इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं। कई लोग हैं जिनको इसको बहुत नॉर्मल लगता होगा टिक्स, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, पता कैसे लगेगा कि डॉग को टिक फीवर हो चुका है। सबसे पहले आपको दिख जाएंगे साइंस, वो होंगे, पहली बात तो उसको थोड़ा थोड़ा फीवर आना शुरू कर जाएगा। उसके बाद सेकंड हो गया कि ये खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, सोया रहेगा, वीक हो जाएगा, बॉडी वेट गिरेगा बहुत ज्यादा, और जब ज्यादा लेवल पे पहुंच जाएगा तो ये खाना बिल्कुल बंद कर देगा, अगर खाना खाएगा तो साथ ही वॉमिट कर देगा, और जो इसकी पॉटी होती है वो ऐसे लगे आएगी ब्लैक, बिल्कुल जैसे पेट में एसिड बन रहा हो इनके। जो दूसरा सबसे ज्यादा इसकी जो बैक लेग्स हैं क्या वो बेटा रैम्बल नो, जो बैक लेग्स हैं वो वीक हो जाएंगी, पैरालिसिस भी आ सकता है इनको। तो ये बिल्कुल भी इसको लाइटली ना लें, दोबारा बोलूंगा मैं। और अब इससे बचाव कैसे हो सकता है? फॉर अ बेबी ये सबसे बेस्ट होगा कि अगर वो, जब तक उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, वो घर पर रहे, दो बच्चों वो घर पर रहे, क्योंकि जब उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है तो कोई छोटी से छोटी चीज भी वो बहुत जल्दी पिक कर लेगा, और उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि वो उसको, उससे बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, तब तक आप इसको बाहर ना लेके जाएं। और दूसरा, फॉर अ बिग डॉग, एडल्ट डॉग, जब भी डॉग को बाहर लेके जाएं, उसको, उसके ऊपर स्प्रे करें, और बहुत सारी चीजें, फिप्रोनिल आता है,
उसको यूज़ करें। रिड आता है, रिड बहुत अच्छा है, उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, वो यूज़ करिए। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो एक बार इस पर स्प्रे ज़रूर करें, बॉडी पे स्प्रे ज़रूर करें। ये देखो ये शैतानियाँ कर रहा है अभी, स्प्रे ज़रूर करें ताकि अगर टिक आता भी है तो वो उसकी बॉडी पे लगे नहीं। और उसके अलावा जब आपको पता लग जाए सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए, सबसे जितना जल्दी हो सके वेट को विजिट करें, इसका ब्लड टेस्ट करवाएं। ब्लड टेस्ट में, क्योंकि इनकी टिक फीवर में प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिरती हैं, ये करवाएं और बस अपना डॉग हेल्दी रखें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिल जाएं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कई लोग हैं जिन्होंने, जैसे मैं था अभी तक, मेरे को इसके अभी तक फेस करना नहीं पड़ा था मुझे टिक फीवर, तो ऐसे कई लोग हैं, डॉग ओनर्स हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसको शेयर कीजिए उनके साथ भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। जय हिंद।